तो गाइस आपने ये समझना होगा, पहले ये देखो, ये शोल्डर का पंप देखो आप, ओवरऑल हर तरफ से देखो, एक बार राउंड करके घुमा के दिखा दो। ये देखो ओवरऑल पंप है। उसका रीज़न क्या है, जैसे हमने वर्कआउट शुरू किया था कंपाउंड मूवमेंट से, डंबल प्रेस किया, फिर हमने फ्रंट और रियर को टारगेट किया कॉम्बिनेशन से, फिर हमने लैटरल हेड को टारगेट किया लैटरल रेस से, उसके बाद हमने फिर से रियर पे आइसोलेशन दिया इस वाले वर्कआउट से। तो क्या हुआ कि जो ओवरऑल शोल्डर है उस पर इम्पैक्ट पड़ा। सो वेलकम बैक गाइज, बल्किंग सीरीज में स्वागत है आपका। आज हम ट्रेन करने वाले शोल्डर, कंप्लीट 3D शोल्डर वर्कआउट, जो कि मैंने अडेप्ट कर रखा है जो वर्कआउट मैं करता आ रहा हूँ, और जिससे आपको एक ओवरऑल 3D डेल्ट मिलेगा, मतलब शोल्डर ओवरऑल। कल मैं वर्कआउट वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आई वॉज फीलिंग लिटिल लो, सो आई वॉज नॉट एबल टू वर्कआउट प्रॉपरली, मतलब मैंने ऐसे ही किया थोड़ा बहुत। टुडे आई एम फाइन। सो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊँगा कि कंप्लीट जो फुल वीक वर्कआउट रूटीन है वो क्या होने वाला। अभी तक हमने चेस्ट ट्रेन कर लिया, आर्म्स ट्रेन कर लिया, बाइसेप ट्राइसेप साथ में किया था, आज करने वाले शोल्डर, और उसके बाद वीडियो के एंड में कंप्लीट एक चार्ट अपलोड कर दूंगा जिसमें एक एक चीज़ मेंशन होगा कि कैसे कैसे हम वर्कआउट प्लान कर रहे हैं, किस दिन क्या करेंगे, एब्डोमिनल वर्कआउट कितने दिन करने वाले वीक में, कार्डियो कितना करेंगे, सब कुछ। सो गाइस एक बार करंट अपडेट दे देता हूँ, एक बार ले आओ वेइंग मशीन की तरफ, वेट दिखा देते हैं कितना है। सो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 86 किलो वही है, सेम है। सो इससे एक चीज़ और आपको सीखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में कभी भी हम फैट लॉस करते हैं या वेट गेन करते हैं ना, तो स्टार्ट में थोड़ा रैपिड ग्रोथ होता है ज़्यादा, उसके बाद एक टाइम पे थोड़ा सा जाके रुकता है। सो अभी आपने देखा 82 पे मैंने शुरू किया था बल्किंग सीरीज, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलरी सरप्लस और अच्छी डाइट। अभी 86 किलो है, थोड़ा बहुत फैट आया है और इस जगह पे भी है हल्का, ये टमी फैट, तो आपका भी आएगा, इससे परेशान नहीं होना आपको। क्योंकि देखो यार, खा रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी ना उसको, तो एब्डोमिनल पोर्शन पे थोड़ा सा फैट आएगा आपका भी, बट लास्ट में जब हम कट करेंगे ना तो वो सब चला जाएगा। सो गाइस चलो चलते हैं वर्कआउट सेशन की तरफ, एक अमेजिंग शोल्डर वर्कआउट, और साथ में इट इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ मोटिवेशन, आ जाओ। सो गाइस वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आज ये वीडियो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी होने वाली, जितने देर मैं कर पाऊँ जब तक म्यूजिक ना चल रहा है। तो गाइस वार्म अप में सबसे पहले 2.5 किलो का डंबल मैंने लिया, और ये एक आपको करना है इस तरीके से, पूरा जो आपका अपर डेल्ट शोल्डर पोर्शन है ये लाइट वेट से करना है, क्योंकि इट इज़ अ वार्म अप सेट, तो लाइट वेट से करना है। इसके बाद आपने ऐसे होल्ड करना है डंबल को, और इस तरीके से तो आप देख रहे होगे कि ओवरऑल पूरा जो शोल्डर है उसका ये मसल इम्पैक्ट हो रहा है ये। सो ये अपना वार्म अप आपको कंप्लीट करना है, बस मतलब एक मिनट के आसपास में 30 सेकेंड्स आपने ये कर लेना है और 30 सेकेंड्स ये कर लेना है। सो ये हो गया कंप्लीट शोल्डर का वार्म अप। अब चलते हैं वर्कआउट की तरफ। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज डंबल प्रेस, शोल्डर डंबल प्रेस, कंपाउंड मूवमेंट है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये बेंच का इंक्लिनेशन जो है इतना रहेगा, हल्का सा बॉडी पीछे की तरफ, डंबल यहाँ, और इस तरीके से आपको ऊपर लेके जाना है। सो ये 15 kg से मैंने शुरू किया। अभी आप लोग भी बल्किंग पे हो गए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी वो बढ़ गया होगा, तो वी हैव टू लिफ्ट हैवी, मतलब जो उठा रहे हो वेट उससे थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम कैलरी सरप्लस में रहते हुए भी अगर वेट बढ़ा ना पाए तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। सो इस तरीके से ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करना है, कंपाउंड मूवमेंट शोल्डर डंबल प्रेस। ग्रेजुअली वेट बढ़ा सकते हो, जैसे 15 से शुरू किया मैंने, तो आप नेक्स्ट सेट 20 से, उसके बाद 25 किलो तक, जो भी आपके बॉडी वेट के हिसाब से फिजिबल हो वहाँ तक ले जा सकते हो, और रेपिटेशन चाहे तो थोड़ा सा ग्रेजुअली कम कर सकते हो। तो ओवरऑल कंपाउंड मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब हम करने वाले सेकेंड वर्कआउट, जो कि एक मिक्स वर्कआउट है, जो कि फ्रंट और रियर डेल्ट को इम्पैक्ट करेगा, वन ऑफ माई फेवरेट। तो इसी बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन करके करेंगे, दिखा देता हूँ आपको, एक बार इधर ले आओ। सो गाइस ये देखो, ये बेंच ऐसा है, अभी आपको इसको इतना इंक्लाइन कर लेना है ये। अब इस पोर्शन पे आएगा अपना चेस्ट, भी दिखाता हूँ। ओके, वेट आपने थोड़ा लाइट ही रखना है इस पर। मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा
5 kg का डंबल। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसका ध्यान रखना आपको। सो ये चेस्ट जो है ये बेंच के एकदम एंड पे आएगा, इधर से दिखा दो फ्रंट से। ये बेंच के जो एंड पे है यहाँ पे चेस्ट आएगा, डंबल ऐसे पकड़ना आपको। ये कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपके फ्रंट और रियर डेल्ट को ये हिट करेगा। सो पहले आपको ये फ्रंट, उसके बाद ये, इस तरीके से वेट लाइट रखना है क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है। सो ये अपना दूसरा वर्कआउट है शोल्डर का। सो गाइस ये वन ऑफ माई फेवरेट वर्कआउट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है इसका। देखो आप ओवरऑल कैसा पंप हो गया डेल्ट। सो बेसिकली ये आपको बहुत अच्छा एक 3D डेल्ट देगा, बहुत ही अमेजिंग शोल्डर वर्कआउट सेशन होने वाला है, एंड तक देखना वीडियो, मजा आएगा। सो यहाँ पे आपने देखा हमने फ्रंट को और रियर डेल्ट को इम्पैक्ट किया इस वर्कआउट के साथ। पहला था अपना डंबल प्रेस, अब ये हो गया कॉम्बिनेशन। उसके बाद चलते थर्ड वर्कआउट, लैटरल रेज, जिसको हम करेंगे केबल से। हाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हर वर्कआउट का वेट आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है। जैसे 5 kg से मैंने शुरू किया, अब आपको जो इसी का नेक्स्ट सेट करना है 7.5 से कर सकते हो, और अगर पॉसिबल हो जैसे आप कर पा रहे हो ढंग से मूवमेंट तो 10 से करना, अदरवाइज 7.5 से रिपीट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ। तो गाइस थर्ड वर्कआउट अपना होने वाला लैटरल रेस, इसको हम करेंगे केबल से, और थोड़ा सा डिफरेंट है ये, जैसे आप डंबल से करते होगे ये, पर इस पर और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो बॉडी आपको, जैसे आप राइट डेल्ट को ट्रेन कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड से मशीन को इस तरीके से पकड़ लेना, ये मशीन तो होता ही ऑलमोस्ट हर जिम में, और बॉडी राइट की तरफ लीन करना है आपको, ये पकड़ना है होल्ड, यहाँ से मिडिल सेक्शन से इस तरीके से लिफ्ट करना है, ये देखो। इसमें भी वेट इतना ही रखना जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब पोस्चर सही रहे, पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सो अभी आपने देखा होगा मैंने बहुत लाइट वेट रखा है 10 kg के आसपास है, इस वजह से ये बहुत आराम से हो पा रहा है। अब इसी को आपको रिवर्स कर देना है। अब जैसे आप लेफ्ट डेल्ट को ट्रेन कर रहे हो, लेफ्ट साइड से लैटरल रेस कर रहे हो, तो राइट हैंड से इसको पकड़ लो, बॉडी ऐसे करके आपको लीन कर लेना है, और ये आराम से इस तरीके से। तो आप देख रहे होगे वीडियो में शायद दिख रहा होगा कि कितना सही इंपैक्ट आ रहा है। डंबल में क्या होता है ना, बॉडी थोड़ा डिसबैलेंस होता है, वो भी सही है, बट ये बेटर है कंपैरेटिवली। सो गाइज ये अपना होता है तीसरा वर्कआउट, सेम टू सेम आप अडेप्ट कर सकते हो, फिर से वही बात रिपीट करूँगा, वेट ग्रेजुअली बढ़ाना, रिपीटेशन एक दो कम कर सकते हो, बट पोस्चर इंपॉर्टेंट है, पोस्चर सेम रखना, पोस्चर ख़राब नहीं होना चाहिए। सो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वर्कआउट के बीच में मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप वर्कआउट करते हो, मसल ट्रेन करते हो, बट आपको पता नहीं है कि कौन से मसल को किस वर्कआउट से आप ट्रेन कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट ही समझना बहुत इंटीरियर है। तो जैसा मैंने इंपॉर्टेंट है, सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 3D शोल्डर वर्कआउट करने वाले हैं, तो ये जो शोल्डर मसल है ना, जैसे ये हो गया एंटीरियर, ये लैटरल, ये तीसरा मसल पोर्शन है, ये हो गया ट्रैप्स। अब हमें क्या करना है कि ऐसा वर्कआउट प्लान करना है कि हम हर एक मसल को टारगेट करें, मसल टेंशन जनरेट करें, ब्रेक करें और डाइट से रिपेयर करें, तब जाके वो एक 3D डेल्ट निकल के आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्कआउट प्रोग्राम मैंने ऐसे प्लान किया है कि ये मसल और ये रियर, ठीक है, तीनों टारगेट होंगे इसमें। तो क्या होगा कि आप देखोगे कि राउंडर शोल्डर जो होता है ना, अब कई लोगों को वर्कआउट पता ही नहीं होता कि करना कैसा है, वो सेम मसल पोर्शन को, मान लो ये इस हेड को 3-4 वर्कआउट से टारगेट कर दिया, 5 वर्कआउट आप कर रहे हो, और जिससे ये और ये टारगेट होना चाहिए वो आप कर ही नहीं रहे, तो फिर ओवरऑल 3D शोल्डर नहीं निकल के आएगा आपका। सो इस तरीके से इस वर्कआउट प्रोग्राम को मैंने प्लान किया,
चलो अब नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा होगा अपना वर्कआउट। 3, 2, 1। सो गाइज एट सम पॉइंट ना मेरा रियर डेल्ट का ग्रोथ रुक गया था, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो, बिकॉज मैं ढंग से उसको हिट नहीं कर पा रहा था। तो इस एक्सरसाइज को मैंने अडेप्ट किया तो अच्छा ग्रोथ आया। तो रियर डेल्ट फ्लाई है, इसमें क्या करना है आपको, लाइट वेट डंबल लेके पहले ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसी के साथ आपने ये फ्लाई करना है ऐसे, 1, 2, 1। एक बार पीछे से देखो मसल इंपैक्ट। सो गाइज ये देखो, आप देख रहे होगे कि ऐसे मैंने पुल किया, रियर डेल्ट पे इंपैक्ट आया। इसके बाद मैं फ्लाई करूँगा इसको इस तरीके से। सो वेट ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो आप इसमें। ओके चल रहा। सो गाइज आपने ये समझना होगा, पहले ये देखो ये शोल्डर का पंप देखो आप, ओवरऑल हर तरफ से देखो, एक बार राउंड करके घुमा के दिखा दो। ये देखो ओवरऑल पंप है। उसका रीज़न क्या है, जैसे हमने वर्कआउट शुरू किया था कंपाउंड मूवमेंट से, डंबल प्रेस किया, फिर हमने फ्रंट और रियर को टारगेट किया कॉम्बिनेशन से, फिर हमने लेटरल हेड को टारगेट किया लेटरल रेस से, उसके बाद हमने फिर से रियर पे आइसोलेशन दिया इस वाले वर्कआउट से। तो क्या हुआ कि जो ओवरऑल शोल्डर है उस पर इम्पैक्ट पड़ा। अब हम ट्रैप्स पर इम्पैक्ट करेंगे। तो अब जो वर्कआउट होने वाला है वो ट्रैप्स के लिए होने वाला है। इस वर्कआउट रूटीन को आप अडेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो रुका हुआ भी शोल्डर ग्रोथ है आपका वो हो जाएगा। सो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे ट्रैप्स का हम वर्कआउट करते हैं, यह टिपिकल वर्कआउट है श्रग्स, जैसे डंबल यहाँ रख के और इस तरीके से लिफ्ट करके होल्ड रिलीज। तो आप देख रहे हो ट्रैपीजियस मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है इसमें प्रॉपरली, ठीक है। पर कई लोगों का ना ऐसा होता है कि अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये तो हो गया ट्रैप्स वर्कआउट अपना प्रॉपर। अब कई लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि दे कैन नॉट लिफ्ट हैवी वेट, और श्रग से कैसा वर्कआउट है अगर आप इसमें हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे हो, लाइट वेट से कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। बिकॉज क्या है कि इस पर पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, आप खड़े हो, प्रेशर लगा रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैप्स के लिए। तो उनके लिए क्या अच्छा ऑप्शन है, जैसे अगर कोई इतना वेट नहीं पुल कर पा रहा तो यहाँ पर ना आप रोप से इसको रिप्लेस कर सकते हो इस वर्कआउट को। जैसे ये मशीन होगा आपके पास, यहाँ पे क्या है कि हम आइसोलेशन ज़्यादा दे देंगे और थोड़ा तरीका चेंज कर देंगे वर्कआउट का। देखो आपने क्या करना है, जैसे ये है, आपको इस तरीके से ये पुल करना है, ये इस तरीके से। तो देखोगे ट्रैपीजियस मसल्स पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, एक बार दिखा देना ये। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको श्रग्स को देना, बट जो श्रग्स नहीं कर पा रहे उनके लिए, जैसे हैवी वेट नहीं लिफ्ट कर पा रहे ड्यू टू जो भी एक्स वाई जी रीज़न हो, तो यहाँ पे आप इसको अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये है अपना कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट रूटीन, जिसमें हमने शोल्डर के हर मसल पोर्शन को प्रॉपरली टारगेट किया, उसको मसल टेंशन क्रिएट किया, और अब अच्छी डाइट से रिकवरी करेंगे तो आपका ओवरऑल शोल्डर निकल के आएगा। सो क्या क्या वर्कआउट किया हमने देख लिया आपने, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए लाइक एक्सप्लेनेटरी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, या तो म्यूज़िकल वीडियो चलेगी या ऐसी वीडियो कौन सी आपको चाहिए। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट वीक का अपना वर्कआउट रूटीन क्या होने वाला है। सो दैट विल बी ऑल फॉर द शोल्डर वर्कआउट रूटीन, और बने रहे वीडियो के साथ, चलते कंप्लीट वर्कआउट रूटीन की तरफ। सो गाइस सच सच बताना कैसा लगा आपको ये शोल्डर वर्कआउट विद एक्सप्लेनेशन, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि पूरे वीक में हमारा वर्कआउट स्केड्यूल वर्कआउट रूटीन क्या रहने वाला है। सो गाइस डे 1 हम टारगेट करेंगे चेस्ट, डे 2 हम टारगेट करेंगे आर्म्स जिसमें बाइसेप ट्राइसेप दोनों कवर होगा, डे 3 जैसे हमने शोल्डर वर्कआउट कर लिया, डे 4 बैक और डे 5 लेग्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले मैं सोच रहा था एब्डोमिनल एक्सरसाइज को ना कंबाइन करूं मसल के साथ, बट नहीं, फिर मैंने सोचा कि हम छठा दिन जो है कंप्लीट एब्डोमिनल एक्सरसाइज प्लस कार्डियो करेंगे। बल्किंग है तो बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करना, जो भी थोड़ा बहुत ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा फैट ना आ जाए। और एब्डोमिनल एक्सरसाइज यहाँ पे एक बात समझनी होगी आपको कि एब्स भी एक मसल पोर्शन है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। तो इसको भी डेवलप करने के लिए क्यों ना हम इसको एक दिन कंप्लीट दे देते हैं, तो ये अपना वर्कआउट रूटीन रहेगा। अब कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि भाई इस बार पूरा करोगे, देख रहे हो कंसिस्टेंसी भाई की,
अप्रिशिएट करो, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस बना दे दो, दिल बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, इस बार मिलकर ट्रांसफॉर्म करेंगे गाइज। ठीक है, तो ये है अपना वर्कआउट रूटीन, ये रहा शोल्डर वर्कआउट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और अपनी इमेज को इस बार चेंज कर दूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।